वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस पी जी नर्सिंग ऑफिसर। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो फ्रेंड्स, इसी गुड मॉर्निंग के साथ में आज आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा क्या रहने वाला है। यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे ऑल ओवर जो एम्स है ना, उनके नाम और एम्स कहाँ पे है। ये तो चलो बेसिक बात हो गई, बात यहाँ आके टंगती है कि भाई बेसिक नाम का पता है, कहाँ एम्स है इसका भी पता है, पर ये हमें नहीं पता कि हर एक एम्स का कौन डायरेक्टर, क्योंकि बहुत सारे एम्स नए जुड़ गए हैं, इनके डायरेक्टर का नहीं पता। फर्स्ट बात तो ये रहेगी। सेकंड बात ये रह गई कि डायरेक्टर का तो पता होगा, पर इमेज के पीछे दिल्ली एम्स पुराने टाइम से पड़ा हुआ है, तो उनको इमेज भी दे सकता है। तो उन डायरेक्टर्स की इमेज भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूट ना पाए। हमारा कोशिश ये है कि 100% आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे, सब चीज़ें कवर हो। इसके लिए आपके लिए जो है एम्स के डायरेक्टर के नाम बताएंगे आपको, सब के सब, कौन सा एम्स कहाँ पे है और उसका डायरेक्टर कौन है और उस डायरेक्टर की इमेज कौन सी है, क्योंकि एम्स दिल्ली है ना, कहीं से भी दे सकता है, कोई विश्वास नहीं है खुद का। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। मॉर्निंग के अंदर है एम्स बठिंडा ने है 468 प्लस पोस्टें और इंक्लूड कर दिया है इसके साथ। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पोस्टों का। पता है कितनी पोस्ट हो गई है? टोटल है 4667 पोस्टें हो गई है, जिसके अंदर 930 पोस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। तो अपने लिए ये है कि मेल कैंडिडेट है उनके लिए 930 पोस्टें आई हुई है। डीमोटिवेट बिल्कुल से नहीं होना है, बहुत बड़ी पोस्टें हैं। ओके, आपकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। आप यूँ छुट्टियों में जो यूँ ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले अपने सबसे बड़े एम्स की शुरुआत के साथ, जो एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली है, इसके डायरेक्टर जो हैं वो है रणदीप गुलेरिया, और इमेज इनकी आप देख सकते हो। इमेज को आंखों के अंदर बसा लो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, बाद में निकाल देना, बाद में किसी और की बसा लेना, पर एक बार रणदीप गुलेरिया की भी बसा लो, ताकि अपना काम चल जाए, है कि नहीं। चलिए, ये है रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स दिल्ली का डायरेक्टर है। आराम से देखना फ़ोटोज़ को, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं याद नहीं होने वाला, इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर ही डाउनलोड कर लेना। एग्ज़ाम देते टाइम मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ एक बार देख के चले जाना, आने के बाद कोई धोखा ना हो। इन जो अभी डायरेक्टर्स बताएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन तो मान के चलो बनता नहीं, आ ही गया न्यू पूछो कि एम्स दिल्ली ने अपने को पूछा था कि इनका देना है कि नहीं देना क्वेश्चन, हमने कहा देना है, तो इनका क्वेश्चन एक आ गया, फिक्स हो गया। ओके, चलिए ये देखिए सेकंड इमेज। ये इमेज है एम्स जोधपुर के डायरेक्टर की। एम्स जोधपुर है राजस्थान के अंदर, और इनका डायरेक्टर है वो है डॉक्टर संजीव मिश्रा। तो ये डॉक्टर संजीव मिश्रा जी की फ़ोटो है, कहीं इनकी फ़ोटो आ गई तो अपनी मिश्री फूट जाएगी वहाँ पे। तो इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये एम्स जो जोधपुर है, इनके डॉक्टर संजीव मिश्रा हैं और ये इनकी इमेजेस हैं। ओके, इमेजेस को आंखों के अंदर संभालो एक बार, बस सपने में भी ये दिखने चाहिए एक बार, तो जब तक एग्जाम नहीं होते। चलिए ये बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखिए एम्स बठिंडा के जो डायरेक्टर हैं उनकी, और एम्स बठिंडा है ये पंजाब के अंदर है, और इनके जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह। डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी ये हैं, जिनको आप देख लीजिए। ओके, तो ये है डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जो कि एम्स बठिंडा का डायरेक्टर है हाल फिलहाल के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट दे रखा है आपको एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रविकांत, जिनकी इमेज यहाँ पे दे रखी है आपको। इस चीज़ को भी आपको आराम से देख के, आराम से सोच समझ के जाना, इमेज देखना है, इमेज का नाम याद करना, सॉरी डायरेक्टर का नाम याद करना है कि एम्स के हिसाब से कौन से एम्स का डायरेक्टर कौन सा है और इसकी इमेजेस क्या है। ओके, तो ये एम्स ऋषिकेश का डायरेक्टर है डॉक्टर रविकांत, जो कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाला है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। एम्स रायपुर की बात करते हैं, तो एम्स रायपुर का ये डायरेक्टर है। एम्स रायपुर है छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो एम्स रायपुर है उसके जो है डायरेक्टर है वो है डॉक्टर नितिन एम नागरकर। डॉक्टर नितिन एम नागरकर है इसका डायरेक्टर है, और ये इसकी इमेज दी हुई है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, फिर से बता रहे हैं, वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना हर एक जो है इसका।
या फिर आप चाहो तो अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपने जो है ग्रुप है एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब अपने सॉरी फेसबुक के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको अवेलेबल पीडीएफ करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। ओके, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप वगैरह अपन ने कुछ बना नहीं रखा है। तो ये एम्स रायपुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये है एम्स भोपाल के डायरेक्टर, एम्स भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है एमपी के अंदर, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर सरमन सिंह। ओके, यहाँ पे डॉक्टर सरमन सिंह की नेम प्लेट भी देख सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पे एम्स भोपाल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरमन सिंह। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखिए एम्स पटना, एम्स पटना है वो बिहार के अंदर है, और इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, जिनकी इमेज यहाँ पे हमने दे रखी है। ये है डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जो कि एम्स पटना के डायरेक्टर रहने वाले हैं, जो कि बिहार के अंदर है। ओके, अब देखिए ये एक एम्स भुवनेश्वर है जो कि उड़ीसा के अंदर है, इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर गीतांजलि बैटमैन बेना। आगे वाला नाम कुछ बस की बात ना है। एम्स भुवनेश्वर की जो है वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गीतांजलि, यहाँ पे सॉरी डॉक्टर लगाने भूल गए हैं। ओके, तो एम्स भुवनेश्वर की जो डायरेक्टर है वो है गीतांजलि, जो कि उड़ीसा के अंदर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है, एम्स बीबी नगर, ये नया एम्स है बीबी नगर जो कि तेलंगाना के अंदर है, और इनका डायरेक्टर जो है डॉक्टर विकास भाटिया। इनकी इमेज देख लीजिए आप अच्छे से, ये हैं विकेश भाटिया जी, विकास भाटिया जी, जिनको है एम्स बीबी नगर का डायरेक्टर बनाया गया है। एम्स बीबी नगर है ये तेलंगाना के अंदर है। ओके, अब ये देखिए ये एम्स जो है रायबरेली का डायरेक्टर्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है एम्स रायबरेली, और इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर जगत राम। ये डॉक्टर जगत राम जी हैं जो कि डायरेक्टर रहने हैं एम्स रायबरेली के, उत्तर प्रदेश के अंदर एम्स रायबरेली आता है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर है जो महाराष्ट्र के अंदर है, और इनका डायरेक्टर, इनकी डायरेक्टर जो है वो है डॉक्टर विबादत। ये है डॉक्टर विबादत जी जो कि डायरेक्टर हैं एम्स नागपुर के, जो कि एम्स नागपुर रहता है बठिंडा के अंदर। रहता क्या है वो तो है ही, कोई इंसान थोड़ी है जो रहता है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखिए एम्स मंगलागिरी के डायरेक्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंदर हैं मंगलागिरी, और इनके डायरेक्टर हैं मुकेश त्रिपाठी जी। ये मुकेश त्रिपाठी जी हैं जो कि एम्स मंगलागिरी के डायरेक्टर हैं, और आंध्र प्रदेश के अंदर ये एम्स है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखिए नेक्स्ट, ये है एम्स गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इनकी डायरेक्टर हैं डायरेक्टर सुरेखा किशोर। ये डायरेक्टर सुरेखा किशोर है जो कि एम्स गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इनकी डायरेक्टर है, उनको डायरेक्टेड करती है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखिए नेक्स्ट, एम्स कल्याणी, ये नए एम्स है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे नए एम्स हैं। आप सोचोगे कि एम्स हैं या फिर मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सच्ची में है, सच्ची, ये आप देख लीजिए एम्स कल्याणी। ओके, तो ये है वेस्ट बंगाल के अंदर है एम्स कल्याणी। ओके, और इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रामजी सिंह, जिनको आप देख सकते हो डॉक्टर रामजी सिंह को, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर एम्स कल्याणी के अंदर है डायरेक्टर हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट को, जो कि है एम्स देवगढ़। एम्स देवगढ़ झारखंड के अंदर है, ये नए एम्स है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल से नहीं होना है, तभी बता रहे हैं आपको। इमेजेस जो है इनके पीछे पड़ा हुआ है एम्स, और डायरेक्टर का नाम तो स्पेशली पूछ ही लेता है, तो हमने जो है पूरा ऑल ओवर कवर कराने के लिए आपको इमेज, नाम और कहाँ पे एम्स है और कौन सा एम्स है, आपको पूरी डिटेल्स दे दी, क्योंकि नया एम्स खुला है, आपने को नहीं पता होता कि एम्स ये है कहाँ पे। ओके, तो एम्स देवगढ़ है वो झारखंड के अंदर है, और इनके डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर सौरभ। ओके, वर्षनी, ये इसके डॉक्टर डायरेक्टर हैं, इनके जिनके नाम नहीं आ रहे ना उनको आप देख लेना। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या है, ये अपना ही एम्स है घर का ही, इसको देख लीजिए आप और अपना क्वेश्चन दे दिए, इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाई विथ योर यूट्यूब चैनल कंटेंट। अपने यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट मिल रहा है आपको, उससे आप सेटिस्फाई हो? एक्सीलेंट, गुड, यस, नो, ए बी सी डी लगाना नहीं है, कमेंट कर देना है जल्दी से। मॉर्निंग के अंदर एम्स बठिंडा की अपने पोस्ट ने डाल दी है, अभी जस्ट एक पोस्ट ने और डालने वाले हैं, एम्स ऋषिकेश के अंदर आई है, जो कि अपने जो है नॉर्सेट के बीच में नहीं है,
है ना, वो नॉरसेट के इंक्लूड नहीं है, नॉरसेट से अलग जो है एम्स ऋषिकेश की पोस्टें हैं, या किस पे पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, उसकी डिटेल से अपन बात करेंगे। तब तक इन दोनों वीडियो का आप लुत्फ़ तो उठाइए, उसके बाद अपन जो है फटाफट लेके आ रहे हैं दूसरा वीडियो। आज दो वीडियोस और अपलोड करेंगे, रेडी रहना। बता देते हैं पहले कि आपको दो वीडियो अपलोड करेंगे, फिर दिक्कत कहाँ है, फिर तो आप देखते रहिए कि नोटिफिकेशन कब आता है। तो ये सेकेंड वीडियो है आज मॉर्निंग का, इसके बाद दो वीडियोज़ और अपलोड करेंगे जिनके अंदर अपन वैकेंसीज़ की बात करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद फ्रेंड्स।